हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल डी के आई टी एम में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो कैसे क्रिएट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से अपने चैनल के लिए लोगो क्रिएट करें। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर आ गए हैं। चलते हैं अपने प्ले स्टोर की ओर। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कैनवा। फ्रेंड्स, मैंने कैनवा सर्च कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है और इसे इंस्टॉल कर रखा है मैंने। तो आप भी इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपसे अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इंस्टॉल करना ही बता दूंगा। तो ओपन पे हम क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, डाउनलोड करना बहुत ईजी है। डाउनलोड करने के बाद अपना इसमें जीमेल अकाउंट से आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, ये इस एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट हर चीज़ हमें अपने काम की चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी चीज़ें बाई नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें फ्री भी है, बहुत सी चीज़ें बाई भी करनी पड़ेगी। तो आपको बाई करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ बाई करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आपके मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए काम में आ सकता है। आप इससे अपना मल्टीपर्पज़ वर्क कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से अपने चैनल के लिए लोगो बना सकते हैं, यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना सकते हैं, यूट्यूब के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए बैनर बना सकते हैं। आप यहाँ से अपना मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे लोगो बनाना। तो सर्च योर कंटेंट जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे लोगो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें बहुत सारे लोगो दिखाने लगा है। जो भी फ्री है हम फ्री वाले को ही सेलेक्ट करेंगे। जिस पे फ्री नहीं लिखा वो फ्री नहीं है, बाकी जिस पे फ्री लिखा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। आप अपने चैनल के अकॉर्डिंग कोई भी अपना एक लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका रिलेटेड चैनल हो। तो हम अपने लिए कोई भी एक लोगो सेलेक्ट करेंगे अपने चैनल के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, मैं एक यही लोगो सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, जहां पे ये रेड लिखा है, इस रेड को थोड़ा सा हम इसे जूम करेंगे और जहां ये रेड लिखा है वहां पे हम दो बार क्लिक करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे रेड लिखा है उसे हम टच करेंगे और दो बार क्लिक करेंगे। तो इस वर्ड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ रैंडम कुछ भी लिख दिया अपने चैनल का नाम। अब इस वर्ड को थोड़ा सा हम छोटा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ फॉन्ट साइज का एक ऑप्शन दिख रहा है, फॉन्ट साइज पे जाएंगे और अपने वर्ड को छोटा बड़ा कर लेंगे आगे पीछे करके। तो मैं अपने वर्ड की साइज इसे सेट कर लिया। फिर से जो रेड लिखा है इसके ऊपर जाएंगे, हम दो बार क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम अपने चैनल के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारा चैनल उस तरह से ही लिख लेंगे हम। फिर से हम फॉन्ट में आएंगे, फिर से हम फॉन्ट साइज में जाएंगे फ्रेंड्स, फिर से वर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो सही है। आप अपने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट करके अपना बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड का कलर रेड ही रहने देता हूँ। सॉरी फ्रेंड, बैकग्राउंड का कलर मैं ब्लैक रहने ही देता हूँ। फिर से हम ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम एलिमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम अपने चैनल के लिए कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट डाउनलोड करके रखा हूँ। आप भी यहाँ पे सर्च एनी थिंग फ्रॉम कैनवा में आकर के कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी एलिमेंट चाहिए होगा। तो टेक में लिख देता हूँ, टेक से रिलेटेड
देखता हूँ यहाँ पे क्या एलिमेंट मिल जाता है मुझे। तो देखिए टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं, तो हम कोई भी एक जो फ्री है उसे हम डाउनलोड करेंगे। फोटो में आके देख लेते हैं फ्रेंड्स, ग्राफिक्स में भी आके देख लेते हैं। तो देखिए हमें बहुत सारे दिख रहे हैं, तो हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे जो फ्री हो। तो मैं इसे सेलेक्ट करके इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब पीछे जो ये दिख रहा है इसको हम डिलीट कर देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आल में आकर के अपना एलिमेंट देखेंगे, जो कुछ भी एलिमेंट होगा तो मैं ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। तो थोड़ा इसे मैं छोटा भी कर सकता हूँ, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लिया। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा दिख रहा है। अब आप चाहे तो और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ये प्लस के आइकन पे आना है, यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है। आप अपने मन मुताबिक भी कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी फ्री दिख रहा हो। देखिए प्रो प्रो लिखा है, ये पैडेड है, जो भी आपको फ्री हो। तो फ्री में मैं ऊपर में यही टॉप हेडिंग ले लेता हूँ, या फ्री में मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पे अपने चैनल का नाम देते हैं हम। ठीक फ्रेंड्स, अब अपने वर्ड को थोड़ा छोटा बड़ा कर लेंगे हम, फॉन्ट साइज में आते हैं तो छोटा बड़ा करके। ठीक है, अब ये जो सेल वाला है इसे भी दो बार क्लिक करेंगे, इस वर्ड को हटा देंगे हम, नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब इसे एडजस्ट करते हैं हम, आते हैं तो इसे छोटा करते हैं, सॉरी इसे हम एडजस्ट करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर दिख रहा है। फिर से हम प्लस के आइकन पे आएंगे, एलिमेंट में आएंगे, ये जो टाइगर वाला एलिमेंट है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको जितना जो भी नीड हो आपको वहाँ पे आके सर्च कर लेना है। ये प्लस के आइकन पे आएंगे, यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको सर्च कर लेना है, आपको जो भी जिस टाइप का भी एलिमेंट चाहिए आप यहाँ आपको यहाँ पर सर्च कर लेना। अगर मेरे को टाइगर चाहिए, मैं टाइगर लिख के देखता हूँ, चलिए मैं टाइगर लिख दिया। देखिए टाइगर से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं, तो मैं टाइगर लिख के ये वाला एलिमेंट डाउनलोड कर लिया था। तो आपको जो भी एलिमेंट डाउनलोड करना हो यहाँ पे आकर के आपको सर्च कर लेना है, प्लस के आइकन पे आना है, एलिमेंट में जा कर के आपको सर्च कर लेना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कितना प्यारा हमारा ये लोगो दिख रहा है। अब हम ये टॉप में हमें डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, टॉप में सबसे किनारे में एरो का एक सिंबल दिखा रहा है, इसे हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे आएंगे। आपको फाइल जिस भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है वो आपको फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, PNG है, JPG है, PDF है, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए होगा। तो हमें फाइल JPG फॉर्मेट में चाहिए, तो हम JPG सेलेक्ट कर लेंगे और इसे डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सक्सेसफुली डाउनलोडिंग हो गया। अब यहाँ हमें शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें शेयर किसी को नहीं करना है, कैंसिल कर देंगे, तो हमारा फाइल सेफ हो गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए।